फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। मैं बैन वाला गला बनाऊंगी और मैं पाइपिंग लगाऊंगी बैन में भी और गले में भी। इसके लिए मैंने ये बुकरम ले ली है, इसे हम डबल कर लेंगे और गले की हम चौड़ाई रखेंगे यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। नीचे से भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और गले की हम यहाँ से लंबाई लेंगे। लंबाई मैं लूंगी यहां से 7.5 इंच, यहां से भी हम 7.5 पर निशान लगा लेंगे और इसे यहां से मिला देंगे और नीचे से भी हम यहां से मिला देंगे। मैं यहां वी नेक बनाऊंगी। वी नेक के लिए हम पहले यहां इस तरह से निशान लगाएंगे, यहां से वी मिलाते हुए ऐसे, और यहां से मैं थोड़ी सी, बिल्कुल सीधा वी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी यहां से शेप दूंगी गोलाई करते हुए, थोड़ी सी हल्की सी ये ऐसे। ऐसी अब हम इसी के साथ और निशान लगा लेंगे। और गला कट करेंगे, यहां से भी कट कर लेंगे गले को। ये इस तरह से हमारा गला कट हो गया, ये देखिए। अब हम इस कपड़ा लेंगे और उस पर हम इस गले को रखेंगे ऐसे, और यहां से इसे ऐसे इसी बुकरम के ऊपर स्टिच करेंगे। यहां बुकरम के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे, यहां से हमने चौड़ाई गले की 3 इंच रखी थी और हमारा डबल हो जाएगा 6 इंच। यहां 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहां इसे रखेंगे। और इस गले पर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम साइड से कपड़ा को कट करेंगे। थोड़ा यहाँ फोल्ड करने के लिए रख लेंगे कपड़ा और बाकी हम कट कर देंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे यहां से। ये मैंने साइड से गले को फोल्ड कर लिया है यहां से। अब हम इस पर अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने पाइपिंग ली हुई है, ये देखिए, ये मैंने रेडीमेड ली है, आप घर पर भी बना सकते हैं। मैंने ये रेडीमेड ली है, इसे हम इस पर लगाएंगे। अब हम इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमारी बुकरम का आपको यहां से ये यहां तक है, ये बुकरम, ये जो आपको बुकरम दिखाई दे रही है यहां तक है, ये यहां तक, यही तक हमने निशान पीछे की तरफ लगाना है, उल्टी साइड, यहां इस तरफ हम यहां निशान लगाएंगे। अगर आपको कपड़े में से दिखाई दे रही है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, नहीं तो आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए ऐसे जहां तक बुकरम है और वहां ऐसे निशान लगा लीजिए। ऐसे फोल्ड करते जाओ और यहां निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने इस पर निशान लगा लिया यहाँ। अब हम इस पर पाइपिंग अटैच करेंगे।
ये देखिए पाइपिंग को हमने ऐसे रखना है, जो ये हमारा ये धागे वाला पार्ट है, जो ये हमारा यहाँ से जिसमें हमने ये धागा डाला हुआ है वो वाला पार्ट लेंगे, उसे हमने इस तरफ रखना है इस तरफ, और अंदर की तरफ यहाँ इस तरफ हमने ये वाला पार्ट रखना है। ये पाइपिंग वाला पार्ट हमने यहाँ बाहर की साइड ऐसे रखना है ऐसे, और यहाँ रखते हुए हम जो हमने ये निशान लगाया हुआ है इसी निशान पर हमने सिलाई लगानी है, ये यहाँ रखकर और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। हम अपना फुट चेंज कर लेंगे, ये सिंगल फुट से पाइपिंग लगेगी तो मैंने पहले से चेंज कर लिया है। अब हम यहाँ लगाएंगे, इसे यहाँ रखते जाएंगे और निशान पर हमने स्टिच करना है। ये यहां तक स्टिच करके अब हम इसे यहां मोड़ लेंगे इस तरफ। ये हम यहां तक स्टिच कर लेंगे। अब हम इसे यहां से पाइपिंग एक्स्ट्रा है जो उसे कट कर देंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे, इसे फोल्ड करके यहाँ बीच में सेंटर में निशान लगा लेंगे। नीचे से हमारा ये कॉर्नर है यहाँ। अब हम कुर्ती पर इसे लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने कुर्ती पहले कट की हुई है। कुर्ती ये मेरी स्ट्रेचेबल है कपड़ा, ये देखिए। इस पर अगर आप गला बनाते हैं तो आप कॉटन के कपड़े पर गला बनाइए। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है तो वो अच्छा गला बनेगा। और अगर आप कपड़ा वेलवेट का है या इस तरह से स्ट्रेचेबल है तो आप उस पर कॉटन के कपड़े से ही गला बनाइए, उससे अच्छा भी बनेगा और आपका बड़ा भी नहीं होगा। अगर आप इसी कपड़े का यूज कर लेंगे इस कपड़े पर और गला भी इसी कपड़े पर ही बना लेंगे तो ये आपका गला बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये स्टेच है इस कपड़े में, इसलिए मैंने ये कॉटन पर बनाया है। अब हम इसके कुर्ती के भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। मैंने ये पहले से लगा लिया है। अब हम गले को सेंटर में रखेंगे ये ऐसे, और बीच में से स्टिच करेंगे इसे। नीचे से भी सेंटर मिला लेंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे, जो हमने पहले सिलाई लगाई है और वहीं पर हमने ये दोबारा से उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है जो पहले हमारी सिलाई लगी हुई है।
अब हम इस पर बैन लगाएंगे। बैन लगाने के लिए सबसे पहले हम आगे और पीछे का तीरे को स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस पर इसे रखेंगे और यहाँ से हम तीरे को स्टिच करेंगे। ये मैंने तीरे दोनों स्टिच कर लिए। अब हम इस पर बैन लगाएंगे। बैन लगाने के लिए हम सबसे पहले बैन को तैयार करेंगे। ये यहाँ से हमारा गला है 6 इंच, यहाँ से चौड़ाई हमने 6 इंच रखी थी, 6 इंच हमारा ये हो गया। और 3-3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 3 इंच यहाँ से बैन लगाएंगे, 3 इंच इस तरफ से लगाएंगे। 6 इंच ये हो गया और 6 इंच हमारी ये हो गया बीच में से, तो 12 इंच की हम बैन तैयार करेंगे। ये देखिए, 12 इंच हम लंबी बुकरम ले लेंगे। ये मैंने 12 इंच ले ली और यहाँ से इसकी चौड़ाई ली है मैंने 1.25 इंच। 1.25 इंच हम ले लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे बीच में से और यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे एक तरफ से, ये ऐसे, और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे। अब हम कुर्ती के साथ का कपड़ा लेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा लेंगे हम और ये यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, यहाँ से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे। ये यहाँ से मैं कट कर लूँगी इसे, ये दोनों तरफ से एक्स्ट्रा हो गया और ऊपर नीचे से भी, और ये डबल है मेरा कपड़ा, इसे मैं बीच में से कट कर लूँगी। 2 पीस चाहिए हमें इतने, ये मैं कट कर लिया इसे। अब हम ये लेंगे और इस पर हम ये बैन को रखेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ से, जहाँ से हमारी गोलाई नहीं है, उस तरफ से हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे इस बुकरम के साथ ऐसे, और यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। ये स्टिच करने के बाद अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। जैसे हमने गले पर इसे यहाँ से ऐसे करके यहाँ निशान लगाया था, ऐसे ही हम बैन के साथ भी निशान लगा लेंगे। देखिए, यहाँ निशान लगाने के बाद अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम इस पर ऐसे रखेंगे, ये अंदर की साइड हमारी ये पाइपिंग आनी चाहिए और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये बाहर की साइड आना चाहिए। इस तरह से हम इसे रखेंगे और ये जो निशान है उस पर हमने सिलाई लगानी है, जो हमने ये नीचे निशान लगाया है। ये अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो दूसरा कपड़ा किया था कट, इसे भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया। अब ये भी नीचे से फोल्ड है और ये भी, इन दोनों को आपस में इस तरह से रखेंगे और इस तरफ से हम यहाँ से ये जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम ये साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सिर्फ हमने छोड़ना है, बाकी हम कट कर लेंगे।
ऐसे यहां से छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरफ से भी। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करके अब हम इसे यहाँ कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे पाइपिंग के साथ। यहाँ तक स्टिच करके अब हम इन दोनों को भी आपस में ये नीचे से यहां से स्टिच कर लेंगे, यहां सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बैन तैयार होगी। अब हम इसे कुर्ती पर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे बीच में से डबल करेंगे और यहाँ बीच में निशान लगा लेंगे। यहाँ निशान लगा लिया हमने और कुर्ती लेंगे अपनी और उसके भी हम गले के पिछली तरफ, ये पीछे का गला है हमारा, इस पे भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये मैंने पहले से लगा लिया, ये देखिए सेंटर से सेंटर मिलाकर इसे मैंने रख लिया यहाँ बीच में। और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से स्टिच करेंगे। ये ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, यहां तक स्टिच कर लेंगे। ये यहां तक स्टिच हो गया। अब हम इसे ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे यहां लगाएंगे। यस, अब हम यहां से एक दो बार सिलाई लगा के अच्छे से यहां से पक्का कर लेंगे। यहां से पक्का करके अब हम इसे वापस लेकर आएंगे जहां तक हमने ये सिलाई की हुई है वहां तक। यहां तक लाने के बाद अब हम यहां से भी दोबारा से इसे इस तरफ से यहां से फोल्ड करेंगे, इस पर ऐसे रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये ऐसे ये यहां तक स्टिच करके अब हम इसे घुमा लेंगे और आगे जो गला है हमारा उसे यहाँ रखेंगे ऐसे और यहाँ भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ से भी हम एक दो बार सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे इसे। ये देखिए सिलाई लगाकर ये हमारी गला बन गया है हमारा। अब हम इसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया है। गले पर हमारी पाइपिंग लग गई और ये बैन पर भी हमारी पाइपिंग लग गई है। ये हमारा गला तैयार है, ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।